मालेगांव शहर के दयाना रमजानपुरा इलाके के खड़की रोड पर आज शाम में अचानक आग लग गई। ये आग खुले मैदान में रखे हुए प्लास्टिक में लगी थी। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप इख्तियार कर लिया था। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला वक्त पर पहुंचा और उसने कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। सवाल ये पैदा होता है कि प्लास्टिक पर पाबंदी है, उसके बावजूद शहर में टनों प्लास्टिक कहाँ से आ जाता है? ये जो प्लास्टिक रखा गया था, इसे लोग कचरा कह रहे हैं, मगर ये कचरा नहीं है, प्लास्टिक रखा हुआ है जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो ज़रूर होता होगा। इसके अतराप में बस्तियां हैं, गरीब बस्तियां हैं। अगर ये आग फैल जाती तो गरीब बस्तियों को नुकसान पहुंच सकता था। सबसे ज़्यादा नुकसान इससे निकलने वाले धुएं से होगा। ये जो धुआँ आप देख रहे हैं, इस धुएं से केमिकल का गैस निकल रहा है। फायर ब्रिगेड के अमले को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी आग बुझाते वक्त। उनकी सांस रुक जा रही थी, अतराप में खड़े लोगों को भी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। इससे पता चलता है कि ये पॉलीथीन या ये जो बैग्स यहाँ पर रखे गए थे, ये केमिकल के बैग थे। कॉरपोरेशन का अमला आग बुझाने के बाद यहाँ से चले गया, मगर ये पॉलीथीन बैग का कारखाना था या फिर गोडाउन था या खुले में सिर्फ यहाँ पर प्लास्टिक रखी गई थी, इसकी जांच होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पॉलीथीन जो केमिकल से भरे हुए हैं, वो शहर में कैसे आते हैं? केमिकल यानी किसी भी चीज़ का हो सकता है जिससे सेहत के लिए और फिजाई आलूदगी के लिए नुकसान हो सकता है। हम रोज़गार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर रोज़गार ऐसा हो जो आदमी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने वाला ना हो। यहाँ पर ऐसे रोज़गार किए जा रहे हैं या ऐसी फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है जो इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचा सकती है। कॉरपोरेशन को चाहिए कि इन सभी के बारे में जांच करे और इन पर कार्रवाई करे, क्योंकि आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियाँ लगी, दमकल के आदमी आए और उन्होंने आग बुझाई। गरीब आवाम के टैक्स का पैसा यहाँ पर खर्च होता है जिससे आग बुझाई जाती है और दमकल के कर्मचारियों की पगार भी दी जाती है। आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये जो आग लगी है, इसे बुझाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। प्लास्टिक पर पाबंदी होने के बाद इतने बड़े पैमाने पर शहर में प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है? प्लास्टिक पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए और फिजाई आलूदगी के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन के फायर ब्रिगेड अमले से ये उम्मीद लगानी चाहिए कि वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी जो गैर कानूनी तरीके से प्लास्टिक मैदानों में रखते हैं और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। ये पहला वाकया नहीं है। दरेगांव का इलाका या उसके सामने का इलाका या दूसरे इलाकों में कई बार इस तरह की आग लग चुकी है और लोगों को नुकसान भी हुआ है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है और इससे निकलने वाली गैस जो है, उससे मुज़िर असरात दिखाई देने लगते हैं। आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन इस पर कार्रवाई करेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।